केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया है, जिससे गरीब मजदूर तबके के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। जहां सरकार गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए दैवीय आपदा को लेकर लोगों के घरों तक कच्चा भोजन देने का काम कर रही है, लेकिन अधिकारी सरकार की चल रही योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। इसका नतीजा कि तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद भी गरीब मजदूर लोगों के लिए अभी तक राशन नहीं पहुंचा पा रहे, जिसके कारण लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मानकों के हिसाब से जिन लोगों के पास रहने का मकान नहीं है और किराए पर रह रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है और जो भूमिहीन लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा कच्चा भोजन मुहैया कराया जाएगा। सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि पात्र लोगों तक सरकार की चल रही योजना घर घर पहुंचे और कोई भी गरीब मजदूर असहाय लोग भूखा न सो सके, लेकिन सरकार की चल रही योजनाओं पर अधिकारी ही जमकर पलीता लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 17 मई तक तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन हमारे पास अभी तक कच्चा राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण हमें भूखा ही सोना पड़ रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आखिर कब तक हमारे पास तक सरकार राशन मुहैया कराएगी। हम लोगों के पास ना ही आटा है और ना ही चावल, जिससे हम लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कोई सामान नहीं मिल रहा है खाने के लिए, बहुत परेशान हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी हमारा काम ठप पड़ा है सर, और हमारे लगे पड़े हैं दिलवाने ने कोई भी नहीं, ना पटवारी आ रहे हैं ना कुछ नहीं मिला सर अभी तक कुछ भी नहीं सर, नहीं है सर खाने के लिए कुछ भी नहीं सर। हमारे पास तो खाने की स्थिति इस टाइम तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि कुछ अपने बच्चों का गुजारा पालन कर सकें, पेट भर सकें, कि भर के अपने घर में बैठा सकें। इस टाइम ये समझ लो कि अब ये देख रहे हैं कहीं से मजदूरी हमें मिल जाए, कि जो प्रधान ने हमें सहारा दे दिया है थोड़ा बहुत, तो उससे अपना पेट गुजर कर रहे हैं। इस टाइम तो ये हालत हो रही है कि वैसे कि क्या करें क्या नहीं करें, अपने बच्चों को लेके कैसे गुजारा करें, कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आ रही आप बच्चों के लिए। हमें दिख ही नहीं रहा कहीं भी कोई समस्या, ऐसी समस्या हमारी कैसी परेशानी दूर होगी, सरकार तरफ से तो कोई मिल ही नहीं रही, कोई अधिकारी नहीं आ रहे हमारे पास, नहीं अधिकारी आ रहे, बस प्रधान से ही जाके अपनी परेशानी बता रहे हैं, उन विचारों ने कर दिया हमारे लिए कुछ, और नहीं तो वैसे हमें तो कोई सरकार तो देख ही नहीं रही हमारी तरफ को, आगे अधिकारी हमारे पास तक तो आए नहीं, ऊपर से सरकार तो बतेरा कोशिश कर रही है मजदूरों के लिए, खाने पीने के लिए सब परेशानी सब उठा रही है, पर हमारे पास तक तो आ ही नहीं रहे ना, सरकार की तरफ से कुछ आई नहीं है हमारे जो रही तो सुविधा। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 150 लगभग 150 10 भी फालतू भी हो सकते हैं कि लोग मजदूर हैं, और पटवारी जी का कहना है कि मैं 15-20-25 लोगों से ज़्यादा ऊपर नहीं दे सकता हूं। जब सरकार ने कहा है कि भूमिहीन मजदूर को देना है, तो भूमिहीन मजदूर को क्यों नहीं दिया जा रहा? 19 आदमियों को हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री की किट दी गई है, और वो भी उन लोगों को दी गई है जिनके राशन कार्ड नहीं है, जबकि वो भी 25-30 लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भी पूरी तरह से नहीं दिया गया है। पटवारी जी ने लिस्ट बनवाई गर्भवती महिलाओं की, सीनियर सिटीजन की, और आपका भूमिहीनों की, वो सब की सिर्फ लिस्ट वो ले गए, ले जाने के बाद फिर अगले दिन आ गए कि साहब ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं। उन्होंने प्रधान को, वार्ड मेंबर को, या जो भी यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको लिस्ट बनाने पे लगा रखा, लेकिन मौके पे ग्राउंड जीरो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सरकार रोज़ टीवी पे कह रही है इतना हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। एक तो 5 किलो आटा, 5 किलो चावल है, इसमें क्या बात, लॉकडाउन का पूरा समय व्यतीत हो जाएगा, और जब इतना समय व्यतीत नहीं हो रहा, और तीसरा राउंड चलने वाला है, संभावित है कि तीसरा राउंड भी चलेगा और चलना चाहिए, अगर तीसरा राउंड नहीं चलता तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इन लोगों को क्यों नहीं इस मौके पर सामान पहुंच रहा, क्यों नहीं इन्हें दे रही है, सरकार दे रही है, तो प्रशासन क्यों नहीं पहुँचा रहा है इनके पास? जब हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर सर्वे किया तो पता चला कि ग्राम सरवर खेड़ा, करनपुर और गिन्नी खेड़ा जैसे ग्रामों में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जहां एक भी बार कच्चा राशन तक नहीं पहुंच पाया। हालात ऐसे हैं जो कि शायद देखना भी मुश्किल है। जिन लोगों के छत पर आज के दौर में भी छप्पर है, वे कैसे आपात अधिकारियों को दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रधानों ने बताया कि पात्र लोगों की पटवारी को जो लिस्ट सौंपी गई है, उसमें पटवारियों ने बिना सर्वे किए ही सैकड़ों नामों को अपने कलम से हटा दिया है। ग्राम प्रधानों का यह भी कहना है कि जो सूची हमारे द्वारा पटवारी को दी गई थी, उस सूची में ना की बराबर ही मुख्यमंत्री राहत कोष
सामग्री परिवारों को ही बंट पाई है, बाकी लोग राशन की आस में ही लगे हुए हैं। ग्राम प्रधानों का ये भी कहना है कि हमारे क्षेत्र के पटवारी से कहा जाता है कि लोगों की खाने की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कुछ व्यवस्थाएं कराइए। तो पटवारी साहब का कहना होता है तहसील में राशन की उपलब्धता में कमी है, जिससे हम लोगों के पास राशन तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। मिल तो रहा है, लेकिन इसमें भी जैसे पटवारी जी को हमने, पटवारी जी कह तो देते हैं कि हमें लिस्ट दो, लिस्ट देते हैं जो लोग परेशान हैं और जो मजबूर हैं, जिनके लिए खाने में दिक्कत है, संकट पैदा हो रहे हैं खाने के, जो खाने के लिए भी राशन वगैरह नहीं है घरों में लोगों के, तो उसमें लिस्ट में देते हैं। अगर मान लो 500 के नाम हैं तो कार्ड पता चल रहा है 250 को मिल रहा, 200 को मिल रहा। हम तो कह रहे हैं अधिकारियों से, आप मौके पर जाकर जाँच करें और उसके थ्रू बांटे। हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने से बांटो। हमारे गांव में लगभग 1300 राशन कार्ड नहीं है, तो हमने 800 के लगभग परिवार बैठे थे ये, जो उस लायक हमें लगा कि हाँ, जो लगा हमने जांच करी कि हाँ मौके पर जाकर के हाँ उस लायक हैं लोग, जो परिवार हैं विभिन्न प्रकार से जो गरीब उस अंतर्गत आते हैं, तो 700 के लगभग परिवार बैठे। हमने लिस्ट दी तो 365 की लिस्ट हमारी पास हुई, जिसमें कि उसमें भी 265 लोगों को कच्चा राशन ये जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मिला, बाकी राशन क्यों नहीं मिल पा रहा। बाकी का राशन हम जाते जाते 4-5 चक्कर भी लगा दिए, हमने तहसील भी गए, तहसीलदार ऑफिस भी गए, हमने पटवारी जी से ही बात करी, चक्कर लगाते हैं और बस कोई उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। किराएदारों की लिस्ट फिर हमसे मांगी गई, हमने किराएदार की लिस्ट भी दे दी, उसमें उस पर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। लिस्ट हमने भेज दी है कानून को साहब को, तहसीलदार साहब ने पास कर दी, कानून को साहब को भी दे दी कि आप जांच करो। कानून को साहब और नसीब पटवारी जी कोई जांच कर लिए नहीं आ रहा। हम तो बोल रहे हैं आप मौके पर जाकर जांच करो, फिर हमारे हमारे लिस्ट के अनुसार आप कोई किसी को माली मत दो, आप तो अपने खुद जाकर मौके पर जांच करो, उसके अनुसार आप बांटो। इस मामले को लेकर जब हमने काशीपुर तहसीलदार विपिन पंत साहब से पूछा तो उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र का हेल्पलाइन नंबर 74026 है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, अगर किसी को राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में जिस तरीके से क्षेत्र की समस्याएं आ रही हैं हम उनका निवारण कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही आगे सामने आई तो इस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील काशीपुर को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की उत्तरदायित्व सौंपा गया है, और इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में नगर निगम सुचारू तरीके से राशन का वितरण कर रहे हैं और लोगों में इस संबंध में जागरूकता भी है, और काफ़ी हमारे पास जो हमारी यहाँ हेल्पलाइन है काशीपुर की, कंट्रोल रूम नंबर है हमारे पास 274026, उस पर लगातार जो कॉल्स आ रही हैं हमारे पास में राशन वितरण से संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं, चाहे जिला कंट्रोल रूम से प्राप्त हो रही हैं हमें या तहसील कंट्रोल रूम से ही प्राप्त हो रही हैं, उस पर त्वरित रूप से उस पर टीम को भेजकर, यहाँ पर टीम हमारी जो है राजस्व दल है, हमारे कुछ अध्यापकगण हैं, वो जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में और जाँच उपरांत राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। काशीपुर में जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका प्रतिदिन 100% निस्तारण किया गया है। खामी तो अभी तक कोई इस तरीके की शिकायतें हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, लेकिन अब जैसे भी शिकायतें इस तरीके की अगर प्राप्त होती हैं, हाँ फिरोजपुर एक आध जगह से शिकायतें मिली थी और उनका हम ससमय उसका निस्तारण कर रहे हैं उनका, जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं। सरवट छेड़ा क्षेत्र में स्वयं मैं वहाँ गया था और वितरण के समय स्वयं उपस्थित रहा वहाँ पर, तो इस प्रकार की वितरण के समय में कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ शिकायत अगर आ रही है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर करणपुर कराया गया, बाकी को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया। करणपुर गांव में भी जो वहां पर ग्राम प्रधान है और हमारे जो राजस्व निरीक्षक हैं वहां पे, उनके द्वारा जो सूची तैयार की गई थी उसके आधार पे हम लोगों ने राशन किट्स वहां पर लोगों को उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी राशन किट उपलब्ध कराई गई हैं पूर्व में, और वर्तमान समय में भी अगर कहीं पर ऐसा आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को पड़ रही है तो कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और जांच उपरांत अगर व्यक्ति पात्र पाया जाता है, अगर लगता है कि नहीं उसके पास राशन उपलब्ध नहीं है, उसको राशन वितरित कराया जा रहा है। जसपुर में भी हमारा प्रयास यह है कि 100% निस्तारण हो, और 100% निस्तारण किया भी जा रहा है उसका समस्या होगा नहीं। इस संबंध में अभी तक मुझे कुछ अभी हमारे प्रशासनिक
या फिर उन्होंने कुछ ऐसी सूचना नहीं दी, ना ग्राम प्रधान के द्वारा ये बताया गया, ना पटवारी के द्वारा अभी कुछ बताया गया, ना लोगों की किसी प्रकार से शिकायत, कुछ शिकायतें आई थी उसके पश्चात वहाँ पर राशन उपलब्ध कराया गया था लोगों को। तो वर्तमान में जब अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, मैं त्वरित उस पर कार्रवाई करूँगा।